हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल फैक्टोमेनिया टेक्स पर। आपके साथ मैं हूं प्रवेश। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो पर मैं आज के डेट का लॉकडाउन में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है ऑनलाइन क्लासेस है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। हाँ जी, तो ऑनलाइन क्लासेस की कुछ बेनिफिट्स और जो और भी कुछ बुराई है उनके, वो मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो ये होने वाला है स्टूडेंट्स और जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज कर रहे हैं उनके बारे में। तो आप कृपया वीडियो के एंड तक देखें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो कृपया जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। और चलिए कोई देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इस ऑनलाइन क्लासेस के मैं शुरुआत करता हूँ एडवांटेजेस के साथ। डिसएडवांटेज इसके बाद में देखेंगे, पहले एडवांटेजेस पे आते हैं क्योंकि हर शुभ काम पहले होता है। तो अगर बात की जाए पहले एडवांटेज की तो ये है कंफर्टेबिलिटी। हाँ जी, आप बहुत आरामदायक अपने घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम हो के। मतलब आप अगर स्कूल जाएंगे, स्कूल में जाते होंगे तो उधर क्या होता है, आप साइकिल से आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी कुछ भूख लगे या पानी पीने की प्यास लगे तो आपको परमिशन चाहिए होगा टीचर्स का या फिर प्रोफेसर्स का। तो अगर आप घर ही में है, ऑनलाइन क्लासेस है, तो आप अपनी इच्छा में जो भी आपको अच्छा लगे, आपको प्यास लगे या कुछ खाने की जरूरत पड़े तो आप आराम से घर में बैठ के आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, चाहे लैपटॉप पे हो या चाहे मोबाइल पे हो। कहीं पर भी आप अगर अटेंड कर रहे आराम से आप उसको अटेंड कर सकेंगे बिना कोई झंझट के, क्योंकि आप घर में है। फिर बात की जाए दूसरे नंबर की तो ये है इजियर अटेंडेंस। हाँ जी, आप अगर स्कूल में होंगे तो आपको याद होगा कि टीचर्स क्या करते हैं, पूरे रोल नंबर 1 to 50 हो, 1 to 30, 60 जितना भी स्टूडेंट्स इन अ सेक्शन और क्लास हो, सबका रोल नंबर बारीकी से पुकारते 1 2 3 और सबको खड़े होकर अपना अटेंडेंस मार्क करवाना होता है, प्रेजेंट मैम प्रेजेंट सर बोल के। लेकिन आप अगर ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड कर रहे हैं तो आपको अटेंडेंस देना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि तो अटेंडेंस कैसे लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अटेंडेंस आप जब जो होस्ट होगा, जो मीटिंग स्टार्ट किया होगा आपका ऑनलाइन क्लास, उनको जो पार्टिसिपेंट है, कितने जन आपके क्लास को अटेंड कर रहे हो, वो दिखाई देगा। तो टीचर डायरेक्टली आपको बिना पूछे वहीं से देखकर आपका अटेंडेंस मार्क कर सकती है, या फिर अपने मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट मार्क कर सकती है, जिसकी सहायता से वे बाद में भी उसको मार्क कर सकेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आ जाए तो वो है लोकेशन बेनिफिट। हाँ जी, लोकेशन बेनिफिट, आप अगर स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो आपका कॉलेज एक ही जगह होगा, आपका स्कूल एक ही जगह होगा। अगर आपका स्कूल का नाम है कुछ भी जगह का बॉयज स्कूल, तो आपका वो बॉयज स्कूल वही जगह पर होगा, ना कि दूसरे जगह में। तो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाना होगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप दुनिया के कोई भी कोने पर हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो या कन्याकुमारी, आप कहीं से भी आप अपना क्लास अटेंड कर सकते हैं अपने घर में। आप चाहे घर में हो या फिर कहीं दूसरे रिश्तेदारों के घर में हो, कहीं भी आप अपने क्लास अटेंड कर सकते हैं। ये था तीसरे नंबर पर। फिर चौथे पर आता है, वो है इजियर टू फोकस। आप इस बात को नोटिस किए होंगे कि अगर आप स्कूल में होंगे, आपका जो बेंच है या फिर चेयर है, सेपरेट हो या टुगेदर हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपके साइड में जो बंदा बैठा होगा आपको डिस्टर्ब भी कर रहा होगा, आपसे कुछ पेंसिल मांगेगा, आपसे बात करेगा,
इसी में आपका जो फोकस है आप टीचर पर इंस्ट्रक्टर पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, इसमें क्या होगा आपका स्टडी लॉस होगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप अकेले होंगे, अपने रूम में होंगे और आराम से अटेंड कर रहे होंगे अपने क्लासेस। फिर पांचवें पर आ जाए तो यह है ग्रुप कम्युनिकेशन। हाँ जी, ग्रुप कम्युनिकेशन से मैं बोलना चाहता हूं कि आप देखेंगे हर एक क्लास, सोचिए क्लास 9 या फिर 10, सबका एक सेक्शन होगा, ए बी या ए बी सी डी जितना भी हो, लेकिन सेक्शन होता है हर क्लास का। तो इसकी मदद से अगर टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो क्या करेंगे, एक एक क्लास अलग अलग सेक्शन उनको बारीकी से पहले सेक्शन ए बी सी डी सो ऑन उनको जाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सोशल नेटवर्किंग एप्स के जरिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स है, इनके जरिए वे हर सेक्शन के स्टूडेंट्स को एक साथ लाकर अपने जो लेक्चर्स होंगे या फिर जो पढ़ाना है उनको टॉपिक आराम से पढ़ा सकेंगे। तो भाई लोग, ये था एडवांटेजेस। आपको इसके शुभ चीज बेनिफिट्स आपको समझ आ गए, लेकिन जो इसके बुराई है, जो बेकार चीज है इसके, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स के ऑनलाइन क्लासेस के, तो वो आपको मैं अभी बताता हूं। तो पहले नंबर पर आता है लो क्वालिटी, जो कि पुअर नेटवर्क, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एक साथ नेटवर्क पे ज्वाइन हो रहे होंगे एक क्लास में, एक मीटिंग में, तो आपको नजर आ रहा होगा कि वॉइस क्वालिटी बेकार हो जाएगा, आपको जो वीडियो क्वालिटी है वो भी फालतू हो जाएगा एकदम, आपको अच्छा से दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। तो इससे आपका लाभ क्या है, बेकारी है, पूरा नुकसान है। तो लो क्वालिटी होता है पुअर नेटवर्क, ये था पहला। फिर दूसरे पर आए तो वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। हाँ जी, अगर आप स्कूल जा रहे होंगे तो आपको याद रहा होगा ये टाइमिंग 7 to 1 o'clock और 10 to 3 तक, ऐसा अलग अलग शिफ्ट होता है लेकिन क्लास का मेंटेन्ड रहता है, वही चलेगा। अगर 7 to 1 होगा तो 7 to 1 ही होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपका 8 भी क्लास हो सकता है, 12 भी, आप अगर खा रहे होंगे 1 वो टाइम भी क्लास हो सकता है। तो ये आपको ज्यादा परेशानी दिलाएगा, आपको सहायता भी है इसके लेकिन परेशानियां भी है इसके। फिर ये था आपके दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे पर आए तो आपको एक शांति आपको चाहिए अपने क्लास अटेंड करने के लिए, एकदम शांति प्रिय जगह, एकदम साइलेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो साइलेंट जगह, एक एनवायरनमेंट आपको चाहिए, क्योंकि आप अगर रिलेटिव्स, फैमिली जो भी हो सब अगर बातचीत कर रहे होंगे तो आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं आएगा, आपका माइंड में कुछ घुसेगा नहीं, आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये प्लेस खोजने के लिए आप घर से क्या बाहर जाएंगे, जंगल में बैठेंगे आप, क्या ऊपर हिमालय में जाएंगे, कहां जाके आप बैठेंगे, हर जगह अभी लोग, अगर आप रस्ते पर जाइए तो हॉर्न बजेगा, घर में आइए तो बातचीत, टीवी चल रहा होगा, थोड़ा बाहर जाइए तो गाड़ी जा रहा हॉर्न बजाते हुए, तो आप बैठेंगे कहां। ये था 3 का डिसएडवांटेज। चौथे पर आइए तो ये आपको याद रहा होगा, ये इंटरनेट के जरिए चलता है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस इंटरनेट के जरिए चलता है, लेकिन हर समय हर किसी के पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं होता है, हर किसी का सुविधा नहीं होता है कि वे इंटरनेट भर सके, वही मोमेंट वो लोग भर सके, इंटरनेट रहेगा या कनेक्शन लॉस्ट हो सकते उन लोगों का। फिर मोबाइल की बात की जाए, हर किसी के पास एक अपना इंडिविजुअल मोबाइल नहीं होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स मोबाइल नहीं देना चाहते, एक सर्टेन एज 18 के बाद उनको अपना इंडिविजुअल फोन मिलता है। कई कई ऐसे है जो अपनी डिमांड करके प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये अच्छा चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मोबाइल नहीं रहता, इंटरनेट नहीं रहता, आप कैसे अटेंड करेंगे क्लास। तो ये था चौथा। फिर पांचवें पर आता है फेस टू फेस इंटरेक्शन।
तो इधर जब टीचर और स्टूडेंट्स कुछ बात कर रहे होंगे एक टॉपिक के ऊपर, डाउट्स तो आएगा, डाउट्स अराइज होता है, लेकिन अगर आप क्लास में होंगे तो डाउट्स फेस टू फेस एक आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, जो कि इसके जरिए पूरा पॉसिबल नहीं है। इतने स्टूडेंट्स के बीच में एट अ टाइम हंड्रेड्स कैन आस्क अ डाउट, तो आप सोच ही रहे होंगे कैसे ऐसा होगा। तो ये डिसएडवांटेज था पांचवें नंबर। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, पांच एडवांटेज और पांच डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, और उसी के साइड में एक नोटिफिकेशन बटन होगा, एक घंटा होगा, उसको भी दबाइए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। तब तक थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।